बुलंदशहर से बड़ी खबर, प्रेमी युगल ने खाया जहर, प्रेमी की मौत, प्रेमिका को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ब्रजेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। कल सुबह 10 बजे से सिकंदराबाद हाईवे पर स्थित भीष्मा होटल में ठहरे थे प्रेमी युगल। होटल के सीसीटीवी बताए जा रहे थे बंद। बैंक्वेट हॉल को होटल के रूप में चला रहा था संचालक। पुलिस का दावा, मानकों को ताक पर रखकर बैंक्वेट हॉल में चलाया जा रहा था होटल। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। सिकंदराबाद के लालपुर गाँव के पास का मामला। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की देखिए खास रिपोर्ट। वीरपाल, क्या हुआ आपके भाई के साथ? मुझे पता, कल से गया हुआ, फोन मिला रहे, फोन नहीं उठा रहा रात भी। अच्छा। सुबह फोन मिला, सुबह ही फोन नहीं उठाया। अब मैंने 10-11 को फोन कर रहा था, जब भी नहीं उठाया फोन। अब घर के आए, उन्होंने बताई थी मेरे को, जो दोस्त है घर को आ जाओ, मुझे बताई नहीं किसी ने भी। फिर हमारी कोई भाई पहुंची, उन्होंने बताई ऐसे ऐसे बात है, जहर पी लिया कही है उसने। कहाँ? इस मॉल में ही, किसी होटल में? हाँ, इसमें ही। अच्छा, तो उसके साथ और कौन था? पता नहीं, अभी पता ही ना, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, कोई और भी उसके साथ था उस वक्त? पता नहीं, अभी मुझे पता भी नहीं है अभी। ये सूचना क्या मिल रही है आपको? जानकारी क्या मिल रही है? जानकारी अभी मुझे पता ही ना पड़ी, जाके को बता ही ना अभी।